इसका पति खुद है भाई, पहले पूरी जानकारी निकालिए जाकर के इसके बारे में। अगर तो पति खुद है तब कहे प्रमोद प्रेमी को पति बनाने पे तुली हुई है। ऐसा भड़ुआ लोग कम ही है धरती पे यार। तो आप सोच रहे अब तो काम धंधा मिलेगा नहीं, तो 2-4 करोड़ का डिमांड ठोक देते हैं, लेके अपना आराम से सेटल हो जाते हैं। बस यही मामला आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रियंका बोल रही है 2015 में प्रमोद प्रेमी से मंदिर में शादी हुआ, तो प्रमोद प्रेमी का तो हमको लगता है लेकिन 2015 से ही पहले शादी हुआ है। सही बात, बाल बच्चा भी उनका। पहला बार ही भाई जो बोला ना, जानकारी के साथ बोला। प्रमोद प्रेमी हमारे साथ संबंध बनाए, हमारे साथ रहे हैं और आज शादी करके हमको ठुकरा दिए। यही नहीं, इनका कहना है कि हमारा साथ 4-5 गो के आओ संभोग करवाते थे। अच्छा। कर रही है ना। हाँ। लड़की का नाम प्रियंका और दूल्हा का नाम शिव कुमार। प्रमोद प्रेमी का नाम कोची है शिव कुमार प्रेमी प्रेमी ऐसा। हाँ। नहीं ना है। हाँ। चुतिया बना रही है ये समाज को। ऐसा नहीं ना है कि आपको पैसा वैसा दिया है कि हमारे सपोर्ट में बोलिए। हाँ भाई पैसा तो दिया है, वो देख रहे हो जितना है ना वो लकड़िया वाला, ओकरा में भर भर के पैसा आया था। सो अभी बैंक में हमने जमा कर दी। भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार प्रमोद प्रेमी पे आरोप लग रहा है। प्रमोद प्रेमी के साथ काम करने वाली प्रियंका राय जो है प्रमोद प्रेमी पे आरोप लगा रही है कि प्रमोद प्रेमी से हमारा शादी हो गया है। बाकी इस मामले की सच्चाई क्या है, प्रमोद प्रेमी का शादी किससे हुआ है, किससे नहीं हुआ है और किसके साथ उनका बाल बच्चा हुआ है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। अभी हमारे साथ समीर चौधरी है, ये बताएंगे और ये इस मामले पे साबूत के साथ खुलकर बोल रहे हैं और क्या बोलेंगे आप लोगों को सुनाएंगे। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री के जो प्रमोद प्रेमी है बोल रहे हैं प्रियंका राय कि हम इनसे शादी कर लिए, वो हमसे शादी किया मंदिर में, शादी हो गया है और हमको रख नहीं रहे हैं साथ में। भाई जी सबसे पहले हम तमाम दर्शक के यही कहना चाहेंगे कि हमारे ये समाज का जो न्यायालय होता ना है, इहू भैया मंदिर के शादी का मान्यता नहीं दिए हुए। ये शादी वही होगा जो कि कोर्ट मैरिज नहीं, पीपी ढोल बाजा बजेगा तब। अब देखिए यहाँ जूम कीजिए, यहाँ दिखाइए, देखिए तो कौची लिखल है। लड़की का नाम प्रियंका और दूल्हा का नाम शिव कुमार। प्रमोद प्रेमी का नाम कोची है शिव कुमार प्रेमी प्रेमी ऐसा। हाँ, नहीं ना है। हाँ, चुतिया बना रही है ये समाज को। हम एक बात बताना चाहते हैं, देखिए ये क्या हुआ ना कि मतलब आती है प्रमोद प्रेमी के पास आज से 10-12 साल पहले, हमको प्रमोद जी काम दीजिए, नाक नक्शा तो है नहीं, चलो हाइट उठ सही था। और ये प्रमोद प्रेमी से गलती हुआ, गलती तो सबसे बड़ा प्रमोद प्रेमी किया कि भलाई किया, जो कि आज के समय में भलाई करने का जमाना नहीं भैया। ये भलाई किया है, भाला पिछवाड़ा गया है। यहाँ पिता बच्चा का पढ़ाता लिखाता है, बड़ा करता है कि बड़ा होकर हमारा बच्चा सहारा बनेगा, लेकिन लात मार देता है, चाहे वृद्धाश्रम में इस समय फेंक देता है बाप के, देखते हो ना भाई। तो यही बात है भाई यहाँ पे, बाकी पैसा का उगाही है, आने वाले कुछ दिनों में समझ में सबको आ जाएगा। ऑलरेडी शादी शुदा है। अच्छा ये मंदिर में शादी हुआ था, जो आप मंदिर का बात बता रहे हैं कि पीपीपीपी के साथ शादी होता है वही मान्यता होता है, तो क्या प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय से मंदिर में शादी किए थे? भाई हम तो पूरी उड़ी ना खाए गए लुक है। हाँ। तू गेलिया है हमारा साथ है ना। अब हम तो नहीं गए, हम तो अभी देखे की सुनने में आया कि शादी हो गया। अरे सुने से तो कहीं कौवा कान ले गए, हमारे कान तो कभी कौवा नहीं, किसी का नहीं ले जाता है। सुना सुनावल बात पे तो हम भरोसे नहीं करते हैं। और जो समाज के बीच में शादी होता है, बैंड बाजा बारात के साथ होता है, ओकरा ना मान्यता कहल जाता है। तो आखिरी काहे आरोप लगा रही है? हमारे साथ ये साथ में सोए भी हैं, हमारे साथ संबंध बनाए हैं। हाँ। और बोल रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी हमारे साथ संबंध बनाए, हमारे साथ रहे हैं और आज शादी करके हमको ठुकरा दिए। यही नहीं, इनका कहना है कि हमारा साथ 4-5 गो के आओ संभोग करवाते थे। कर रही है ना। तो मैंने उतना दिन से चुपचाप थी, अभी अभी कोची हो गया, कौन मिर्चाई लहर गया कि बबू आके ऊपर लग गई। उतना दिन से नहीं बोलना था, पहले बोलती ना कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। दिल्ली में फ्लैटवा जखनी दिला दिया बहुत बढ़िया, और फ्लैट का कहानी हम बता रहे हैं, कोई कोई ये ना लगे कि प्रमोद प्रेमी आखिर फ्लैट काहे दिलाया। तो प्रमोद प्रेमी कुछ गानों का पैसा नहीं दे रहे थे, ठीक है, नहीं देने का कारण ही खुद ही बोलती थी कि भैया हमको आगे मतलब फ्लैट उलट चाहिए, तो इसी का पैसा से इसको फ्लैट मिला। तो अच्छा इतना बात आप कैसे जानते हैं? आप तो मान लीजिए ना प्रमोद प्रेमी है ना प्रमोद प्रेमी के 7 दिन रात रहने वाले हैं, तो इतना बात आपको कैसे पता है? इंडस्ट्री से है हम। समीर चौधरी हर आदमी का जैसे ना कहता डॉक्टर नर्स देख के बताता है, तो भोजपुरी के कलाकारों को हम देख के बता देते हैं कि कौन का कितना पानी में। ऐसा नहीं ना है कि आपको पैसा वैसा दिया है कि हमारे सपोर्ट में बोलिए। हाँ भाई पैसा तो दिया है, वो देख रहे हो जितना है ना वो लकड़िया वाला, ओकरा में भर भर के पैसा आया था। सो अभी बैंक में हमने जमा कर दी। सब गलत बात है। जब प्रमोद प्रेमी चिराग पासवान जी को चोली का गाना किया था तो हम रिले थे ना भाई, आप लोग ही थे ना साथ में, गाना डिलीट करना पड़ गया। तो समाज में देखिए कुछ ऐसे, जैसे एक और बड़ी बढ़िया आशीष सिंगर है मगही के, ये भाई हमारा तो वही लड़का अभी तक में टॉप लग रहा है। काहे आशीष हर मॉडल के साथ काम करता है, कोनो एगो के साथ नहीं चलता है। तो हम तमाम कलाकारों को बोलते किसी एगो के साथ अगर जोड़ी बनावे के चक्कर में रहिएगा ना
मंगल सूत्र बांधे पड़ जाएगा, याद रखिए। अच्छा, ये तो नहीं ना कि प्रमोद प्रेमी जब प्रियंका के साथ काम करते थे तो प्रियंका एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री पे छाई हुई थी, उनका गाना एल्बम आ रहा था, देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है कि प्रमोद प्रेमी कामे नहीं कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है प्रियंका कौन है और कहां गई प्रियंका। ऐसा नहीं है, प्रियंका का उम्र खत्म होने को आ गया है, प्रियंका का 9 साल 10 साल का बच्चा है, खूबसूरती डाउन हो गया है ना, होता लड़की के मेकअप चपोत चपोत के मैंने जल्दी बुढ़िया हो जाती है, तो अब सोच रही अब तो काम धंधा मिलेगा नहीं, तो 2-4 करोड़ का डिमांड ठोक देते हैं लेके अपना आराम से सेटल हो जाते हैं। बस यही मामला आगे आप लोग को देखने को मिलेगा, वो न्यायालय से ही आप लोग को पता चलेगा कि हाँ भैया इतना का डिमांड हुआ, ओवन भैया वाला मैटर था ना, फिर सब एक हुआ था ना, तो हम कहते हैं पैसा उगाही का काम हो रहा है यहाँ, अगर अगला इज्जतदार रहता है। अब ये तो इसका पति खुद है भाई, पहले पूरी जानकारी निकालिए जाकर के इसके बारे में, अगर तो पति खुद है तब कहे प्रमोद प्रेमी को पति बनाने पे तुली हुई है, ऐसा भणुआ लोग कमी है धरती पे यार, डायरेक्ट अपन बीबी के 10 गो के साथ भेज देता था, उसने बोले सोचे वाला के क्या प्रेमी क्या अपना लेगा प्रियंका को कि नहीं अपना? पागल है, ओकर बीबी इतना पाथी है कि मार मार के मान बेलना झाड़ू एकदम तोड़ते तोड़ते बयान कर देगी। 2015 में प्रियंका बोल रही है, 2015 में प्रमोद प्रेमी से मंदिर में शादी हुआ, तो प्रमोद प्रेमी का तो हमको लगता है लेकिन 2015 से ही पहले शादी हुआ है। सही बात, बाल बच्चा भी पहला बार ही भाई जो बोला ना जानकारी के साथ बोला भाई, प्रमोद प्रेमी के ब्याह में छोड़ी गई है, हमारा पास फुटेज हम कहा कहना जाए, जकरा जानकारी है वही जानिए, नहीं तो जखनी सबूत देना हम शुरू करेंगे ना ओखनी बढ़िया से पानी पानी हो जाएगा आदमी। एगो है कौती झंडू छापे हो कोई यूट्यूबरवा है, वो झूठो लिख दिया आधार कार्ड में ऐसे कि पति परमेश्वर पर, अरे भाई आज तक आधार कार्ड में उसने लिखले नहीं रहता, पति तो परमेश्वर तो होता ही नहीं, पति होता है, होता है परमेश्वर तब नहीं लगाया जाता है। जाके उसका वीडियो उठा के देखिए, उस सारे आम चुतिया है, चुतिया ने एडिट किया, अरे पहले जाके बढ़िया से एडिट सीख जाओ, पहले कैसे पी कार्ड पे एडिट होता है, कैसे फोटोशॉप पे खेला जाता है, मैंने बुर्बक बना वेला कुछ काम कर रहे हो जनता को, जनता भी ये देखता है, अरे बाप रे भाई हमारे घर में ये बहन है, शादी नहीं हुआ था अब तक पिता का नाम था, शादी होने के बाद पति का नाम चल गया, तो ऐसा किसी का आधार कार्ड पे नहीं लिखा रहता पति परमेश्वर प्रमोद प्रेमी। अच्छा, तो प्रमोद प्रेमी तो अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं बोले हैं कि वो पत्नी है कि नहीं है, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं बोले प्रमोद। काहे लगी, जब कोर्ट का मामला चल रहा तो बोल रहे हैं, हाँ जो निगेटिविटी फैला रहा था उसके लिए समीर चौधरी खड़ा हो गया ना झंडू बाम बन के, बाम उखड़ गए तुरंत में हमारा देखते के साथ। हाँ देखिए, प्रमोद प्रेमी का जो है कि झूठा ब्याह का खबर फैलाया जा रहा है कि प्रियंका के साथ इनका शादी हुआ है, बाकी आप लोग क्या बोलेंगे कि प्रियंका के साथ उनका शादी हुआ है कि क्या मामला है, एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, और समीर चौधरी के बातों के बारे में क्या बोलेंगे अपनी राय जरूर रखिएगा।